हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की बगिया में। फ्रेंड्स, आज हमारे गार्डन में रंग बदल बहुत ही अच्छी तरह से खिले हुए हैं और इनमें फूल आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर इनके फूल होते हैं और देखने में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, इसलिए से आज मैं अपने ये रंग बदल आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो कैसे हैं ये रंग बदल बताइएगा। और इस सीज़न इनकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसका रंग बदल नाम इसलिए है क्योंकि ये रंग बदलते हैं और पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए जानते हैं कुछ रंग बदल के बारे में। और ये फूल बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसा कि मैंने नाम बताया रंग बदल, और इसलिए इसका रंग बदल नाम है क्योंकि ये फूलों का रंग बदलता रहता है। एक ही दिन की इनकी फ्लावरिंग होती है, सुबह ये खिलते हैं और आप देख सकते हैं इनके फूल बहुत ही अच्छे होते हैं। कुछ मल्टी पेटल के होते हैं और बीज का पराग इनका बहुत ही खूबसूरत होता है और मैं करीब से दिखा रही हूँ। प्लांट हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं कुछ ऊंचाई पे होकर के इस प्लांट को दिखा रही हूँ और आप इन फूलों को एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि रंग बदल इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये फ्लावर दिन में खिलते ज़रूर हैं और खिलने का समय इनका सुबह का है, और सुबह जब ये खिलते हैं तो वाइट होते हैं और वाइट होने के बाद में ये पूरी दोपहर तक वाइट ही होते हैं और दोपहर के बाद इनका कलर चेंज हो जाता है जो डार्क पिंक में होता है। अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है और इसके फूल कुछ आकर के ख़त्म भी हो रहे हैं। और फ़िलहाल अभी इनमें बहुत ही सुंदर फूल आए हुए हैं और शाम का समय है, 4 बज गए हैं, अब इनके फूल ख़त्म होने वाले हैं, सूख जाएंगे ये फूल, कल नहीं रहेंगे। और एक दिन की ही इनकी लाइफ होती है पर फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और मैंने इनको अपने गार्डन में लगाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरती से ये ब्लूम कर रहे हैं और मैंने इनको क्यारी में लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा दीवार की तरफ पड़ रहे हैं और इसको मैंने कटिंग से लगाया है। अगर आप लोग कटिंग से लगाना चाहते हैं तो कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ईजिली ये लग सकते हैं। नहीं तो आप इसका प्लांट नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं, ये गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं। अगर ज़मीन में ये कहीं लगते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से इनमें फूल आते हैं। इनका प्लांट थोड़ा बड़ा होता है जो रंग बदल का है, और रंग बदल इसको घर में नॉर्मल तरीके से लोग इसको पुकारने का नाम रंग बदल ही है और इसको स्थल कमल भी कहते हैं। प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है, उसी के साथ इसके फ्लावर भी बहुत खूबसूरत होते हैं। पत्ते इसके सेम टू सेम कुछ अंगूर की तरह होते हैं, जैसे अंगूर के पत्ते होते हैं ऐसे ही होते हैं और देखने में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसको कटिंग से लगाया था, अगर आप इसको कटिंग से लगाना चाहते हैं तो इसका कहीं भी प्लांट हो तो आप उसको 4-5 इंच की कटिंग ला करके और लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का समय या तो रेनी सीज़न है या फिर विंटर के सीज़न में, इन दो सीज़न में आप कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग किसी भी फ्लावर प्लांट की हो आप बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं, और मैंने भी इसको लगाया ही हुआ था जैसा कि मैंने बताया, कटिंग से लगाया था और अभी ये बहुत अच्छी ग्रोथ पे है और इनमें फूल आ रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया है जो रंग इसका चेंज होता है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि सुबह सुबह ये पूरा वाइट होता है और शाम के समय ये पिंक हो जाते हैं, देखने में बड़े ही खूबसूरत कलर लगते हैं। और अभी आप इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं, अगर आप इसको लगाते हैं तो ये बहुत ही ईजिली आपके गार्डन में लग जाएंगे और नॉर्मल ही इसकी सेवा करनी है। जैसे आप सभी प्लांट की सेवा करते हैं आप उसी तरह से इसकी भी सेवा कर सकते हैं, इसी तरह से ये चलते रहेंगे आपके गार्डन में। बस आप इसको ज़्यादा पानी मत दीजिएगा क्योंकि किसी भी प्लांट को ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने से प्लांट ख़राब हो जाता है और मिट्टी में मॉइस्चर बना होना चाहिए। इस तरह से आप इसकी केयर करें और समय समय से आप इसको कुछ खाद वगैरह देते रहें। मैंने तो जब इसको लगाया था तो गोबर की खाद दिया है और अभी प्लांट हमारा बहुत ही अच्छा है और इसमें फूल आ रहे हैं। विशेष कुछ केयर तो इसकी नहीं मैं कर पाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और क्योंकि ये क्यारी में लगे हैं तो क्यारी में इतना संभव नहीं है कि एक एक प्लांट को देखा जा सके, और पानी वगैरह देते रहते हैं और उसकी देखभाल कटिंग वगैरह करते रहते हैं जिससे कि इसमें फूल आ रहे हैं। अगर आप पॉट में लगाते हैं तो विशेष ध्यान देना होगा, जैसे कि पॉट किस तरह का लेना है और मिट्टी किस तरह की बनानी है,
ये सब आप उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से और भी फ्लावर प्लांट लगाते हैं आप, और समय समय से आप इसकी देखभाल करते रहिए। लेकिन प्लांट को आप जहाँ भी रखिए वहाँ इसको अच्छी सनलाइट मिलनी चाहिए, तभी ये अच्छी ग्रोथ करते हैं और इनमें फूल आते हैं। क्योंकि किसी भी प्लांट को चलाने के लिए थोड़ा धूप ज़रूरी होता है, जिस तरह से सभी प्लांट शेड में नहीं चलते हैं उसी तरह से इसको आप जो भी केयर करिए तो थोड़ा धूप इसको मिलनी चाहिए, तभी ये अच्छी तरह से चलेंगे और इनमें फूल आएंगे। अगर आप इसको लगाते हैं तो इसमें मिलीबग बहुत ही तेज़ी से अटैक करते हैं, और अभी हमारे इस प्लांट में मिलीबग लगे हुए हैं क्योंकि प्लांट काफ़ी ऊंचाई पे हो गया है और मैं बाहर कुछ दिनों के लिए चली गई थी, इसलिए से कुछ केयर नहीं हुआ है। और मैंने जब आकर देखा तो इसमें फूल खिल रहे थे, इसीलिए से मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मैं इनको कल या परसों इनमें मिलीबग के हटाने के लिए कुछ पेस्टिसाइड प्रयोग करूँगी, और ताकि हमारा प्लांट सेफ़ और सुरक्षित रह सके। यही कुछ बातें हैं, और इन्हीं का आप ध्यान रखेंगे तो आपके गार्डन में रंग बदल बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेंगे। और विशेष तो आप देख ही रहे हैं कि फ्लावरिंग हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।